उमरान मलिक की रफ्तार नहीं गई बेकार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, आईपीएल 2022 में उमरान मलिक शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि उमरान मलिक अब आईपीएल से टीम इंडिया तक का सफ़र तय करें। तमाम दिग्गज उमरान मलिक की तारीफ कर चुके हैं और जिस तरीके की रफ्तार उमरान मलिक के साथ है वो रफ्तार उमरान मलिक के काम आ गई और अब बहुत बड़े संकेत उमरान मलिक को लेकर आए हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उमरान मलिक को लेकर आई है कि उमरान मलिक अब टीम इंडिया में आने वाले हैं। दरअसल बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने उमरान मलिक को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। सौरभ गांगुली का कहना है कि भारतीय टीम के पास 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज बहुत कम हैं। ऐसे गेंदबाज जो लगातार 6 की 6 गेंद ओवर की 150 की रफ्तार से फेंके, ऐसे गेंदबाज टीम इंडिया के पास नहीं है। तो ऐसे में उमरान मलिक का टीम इंडिया में आना लाजमी है। उमरान मलिक बहुत जल्दी टीम इंडिया में आएंगे, ये सौरभ गांगुली का कहना है। तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि उमरान मलिक बहुत जल्दी टीम इंडिया में आए, ये सौरभ गांगुली ने संकेत दिए हैं। तो दादा की इन बातों से साफ नजर आता है कि आने वाली जो सीरीज है साउथ अफ्रीका सीरीज, जिसमें दिग्गजों को मौका नहीं दिया जाएगा, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को रेस्ट दिया जाएगा, इस सीरीज में उमरान मलिक को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। ये उमरान मलिक को बहुत बड़े संकेत आए हैं उमरान मलिक को लेकर। सौरभ गांगुली का यह कहना कि टीम इंडिया के पास 150 की रफ्तार से फेंकने वाले गेंदबाज नहीं है, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि उमरान मलिक को टीम इंडिया में बहुत जल्द मौका मिले, उन्हें आजमाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उमरान मलिक का आईपीएल में गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी रफ्तार से बड़े बड़े दिग्गजों का विकेट उमरान मलिक ने चटकाया है, ऐसे में उमरान मलिक का टीम इंडिया में आना एक जाहिर तौर पर बहुत बड़े संकेत है और टीम इंडिया के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है कि साउथ अफ्रीका सीरीज में उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 5 T20 मुकाबले होने हैं उसमें उमरान मलिक टीम इंडिया की जर्सी में आपको नजर आ सकते हैं। तो आपका सौरभ गांगुली के इस बयान पर क्या कहना है, उमरान मलिक के सिलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।